वेलकम टू कारण क्रंच तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर टेन दैट इज ए रूरल एंड इग्रीडियंट ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट पार्ट इसके साथ आपका टेंथ चैप्टर जो है कम्प्लीट हो जाएगा तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दू इस पे मैं लेके आती हूँ आपके यूपीएससी या फिर स्टेट पी के सोशोलॉजी के कोर्सेस ठीक है तो करंटली आपके नितिन सांगमान सर की सीरीज चल रही है पेपर ए जो है हमारा नितिन सागमान सर की बुक से कम्प्लीट हो गया है उसकी सेपरेट प्ले लिस्ट आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी करंटली हम पेपर बी कर रहे हैं और पेपर बी का टेंथ चैप्टर जो है आज कवर हो जाएगा देन विल बी लेफ्ट विद ओनली फाइव चैप्टर्स तो जो पेपर बी है ये हम लेटेस्ट एडिशन से कवर कर रहे हैं इन केस यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस एडिशन तो आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं ठीक है तो आने वाले टाइम में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट मटेरियल भी मिलेगा इस चैनल पे जैसे इग्नो के रिलेटेड जो भी मटेरियल है आपका इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी ठीक है एंड कुछ एक्स्ट्रा थिंकर्स की सीरीज एंड सम रिविजन थी सीरीज ये सारी चीज़ें अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इन केस यू इफ यू हैवेंट ऑलरेडी एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं इफ़ यू लाइक दिस वीडियोस आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं जो कमेंट के साथ आपको डॉलर साइन मिल जाएगा ठीक है या फिर आप यू पी आई डी पर मुझे डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट uh, भी कर सकते हैं वॉलंटियरली टुअर्ड्स दिस चैनल तो वो यू पी आई डी आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा या आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे भी देख सकते हैं ठीक है आपको मेरे चैनल पर जेके एस एस बी रिलेटेड भी कुछ सीरीज मिल जाएगी तो वो आपको नहीं देखनी है एंड जेके एस एस बी के एस्पिरेंट्स हैं उनको ये सीरीज नहीं देखनी है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट मच डिले तो दो टॉपिक्स हमें आज के पढ़ने हैं लास्ट वाले वो देखते हैं कंटेम्प्रेरी अग्रेरियन चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ठीक है तो क्या हम अग्रेरियन चैलेंजेस करंटली फेस करते हैं एंड कैसे बाद में उनका फ्यूचर क्या है इन अग्रेरियन चैलेंजेस का कैसे उनको ओवरकम किया जा सकता है इन गवर्नमेंट क्या कर रही है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है तो ये हमें पता है जो शेयर है एग्रीकल्चर का इंडियन जीडीपी में वो कम हो रहा है फाइन लेकिन जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर वो काफ़ी ज़्यादा है इसका रेशियो ऑलमोस्ट हमारा मैंने आपको पहले भी कहा फिफ्टी परसेंट टू सिक्सटी परसेंट जो है पीपल दे आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एंड दे वर्क अंडर डिस्गइज अनएम्प्लॉयमेंट ये भी हमने डिस्कस किया है डिस्कस किया है कि डिस्गइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ठीक है एंड जो इसका शेयर है दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो इसका जी में जी की तरफ है एग्रीकल्चर का दैट इज़ ओनली सिक्सटीन ठीक है तो ये बहुत एक अलार्मिंग जो है डिस्टर्ब अलार्मिंग जो है डिफरेंस हमारे इकोनॉमिक्स के लिए एंड पॉलिसी मेकर्स के लिए इस वजह से टाइम टू टाइम काफी ऐसी स्कीम्स आती रहती हैं जो इस चीजों को काउंटर करने की कोशिश करती है लेकिन वो स्कीम कितनी सक्सेसफुल रहती है वो उसका मेजर पार्ट डिपेंड करता है स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन पे। ठीक है जो सही से काम नहीं होता है इस वजह से वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती एंड हम डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं करते है. एक सर्वे हुआ था 2014 में बाय सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ एंड लोकनीति फॉर भारत कृषक समाज उन्होंने कहा 76 परसेंट जो फार्मर्स हैं वो चाहते थे कि वो एग्रीकल्चर क्विट करेंगे अगर उनको कोई वायबल आल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी दैट मीन्स वो इस एग्रीकल्चर में मजबूरी के तहत हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ये हाल हमारे एग्रीकल्चर का है दैट मीन्स वो एक प्रॉफिटेबल वहाँ पर एक्टिविटी नहीं कंसिडर करी जाती है इन इंडिया लैंड रिफॉर्म्स ये हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है पुराने चैप्टर्स में लैंड रिफॉर्म क्या होता है इसने ज्यादा ड्रामेटिक रिजल्ट जो हम प्रोड्यूस नहीं किए थे एज दे वर सपोज टू प्रोड्यूस ठीक है उतने ड्रामेटिक रिजल्ट जो हम प्रोड्यूस नहीं हुए थे जो इक्वालिटी इन लैंड ओनरशिप थी ये भी अभी तक अचीव नहीं हो पाई थी ठीक है क्योंकि लैंड फॉर्म्स लाए ही गए थे ताकि रिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ठीक है एंड वो हम अचीव नहीं कर पाए थे क्वालिटी तो नहीं अचीव हुई लैंड ओनरशिप में लेकिन जो मार्जिनल कम कम लैंड होल्डिंग्स के साइज है वो काफी ज्यादा जो है इंक्रीज हो गए आने वाले इयर्स में ठीक है और जो सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स था इट वाज इट पार्शली लाइड इन द स्केल ऑफ सेल्फ कल्टीवेशन इससे सेल्फ कल्टीवेशन वाली चीज आ गई सेल्फ कल्टिवेशन में अगर आपको याद होगा हमने एक चीज पढ़ी थी ब्लॉक कैपिटलिस्ट तो हमें ब्लॉक कैपिटल्स वाली एक क्लास मिल गई जो क्या करते थे अपनी लैंड पे सेल्फ ये करते थे कल्टिवेट करते थे ठीक है ये हमने डिटेल में पढ़ा है पुराने लेक्चर्स में ये क्या होता है ब्लॉक कैपिटलिस्ट बट ए

एंड वो किसी हद तक ये जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में सक्सेसफुल भी रहे थे जो टेनेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी जो फ्यूडल रिलेशन एक बना था एक्सप्लॉयटेशन वाला वो भी चेंज हो रहा था ठीक है लेकिन देन अगेन ये कहा जाता है कि सिग्निफिकेंट एक्सटेंट uh, तक फ्यूरल एलिमेंट्स चेंज हुए थे लेकिन अगेन ये कहा जाता है कि दे वॉज स्टिल दे वॉज बट मच वो स्टिल लेव टू बी डिज़ायर ठीक है दैट मीन जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट हमने एम किए थे अचीव करने वो हम अचीव फिर भी नहीं कर पाए थे तो इम्प्ली इम्परफेक्ट इंप्लीमेंटेशन हुई थी लैंड रिफॉर्म्स की ग्रीन रेवोल्यूशन के जो बेनिफिट्स थे वो अनिकवल थे ये दोनों चीज़ें हमने पुराने चैप्टर्स में देखी हैं ठीक है इससे क्या हो गया डिसकंटेंट हो गया रूरल एरियाज में तो जो एक हमें लगा था कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के हालात काफी सुधरेंगे एंड इंडिया के हालात सुधरना तब नजर आता जब आपकी जो रूरल सोसाइटी है एग्रीकल्चरल सोसाइटी है उसके हालात सुधरते क्योंकि इंडिया जो थी एक इंडिया जो है एक एग्रेरियन सोसाइटी है ठीक है जब आपका विलेज इंप्रूव हो जाएगा तो ही आप बोलोगे हाँ ग्राउंड लेवल पे रियली really, रियलिटी में कुछ चेंजेस हुई हैं लेकिन वो सारा जो यूफोरिया ऑफ इंडिपेंडेंस था और ऑप्टिमिज्म था विद द वेलफेयर स्टेट की हमें वेलफेयर स्टेट क्रिएट करनी है वो ऐसा ऐसा खत्म होने लगा तो हमारे पास ऐसी क्लासेज एंड लीडर्स आ गए जिन्होंने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट पॉलिसीज को ठीक है और हाईलाइट किया इनइीज दैट द रूरल एरिया सफर फ्रॉम खास करके क्रिटिसाइज किया था लेफ्टिस्ट लीडर्स ने लेफ्टिस्ट लीडर्स ने ठीक है One of the earliest manifestation was this in the form of naxilism. नेक्सरिज्म है ये आप पढ़ोगे इन डिटेल में आपको इंटरनल सिक्योरिटी में जनरल स्टडीज में पढ़ना होगा या आपने पढ़ भी लिया होगा तो बेसिकली किससे हम उसको रिलेट करते हैं जो रूरल पॉवर्टी थी ठीक है वहां पे जो लैंडलेसनेस वगैरह थी एंड जो प्रिजेंट्स की एक्सप्लॉयटेशन होती थी उनकी इंडेटनेस थी उन सारी चीजों का एक आप उसको बोल सकते हो एक रिजल्ट था तो काफी ज्यादा पोज किया था थ्रेट इसने इंडियन सिक्योरिटी पे फाइन अभी भी कुछ कुछ स्टेट्स में कहीं कहीं परसेंटेज में ये एक्टिव है तो इनको लैक ऑफ एक्सेस नहीं था टू द लैक ऑफ एक्सेस था इनको टू द बेसिक सर्विस

एंड ये यूज़ करते थे आपके गुरेला टैक्टिक्स गुरेला टैक्टिक्स बेसिकली क्या होते हैं ये वो ये कुछ विलेजेस के एरियाज को तो गुरेला जोन बनाते हैं एंड इनका वॉर करने का तरीका वॉरफेयर का तरीका अलग होता है ये लॉन्च करेंगे आप अटैक बाद में रिट्रीट करेंगे फिर फिर से कहीं से आएंगे अटैक करेंगे और गायब हो जाएंगे ठीक है इनका तरीका ही है ऐसे काम करने का एंड ये जो है पीपल वॉर ग्रुप ये रिजेक्ट करते थे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इनको अप्रूड करना था इसको पार्लियमेंट्री डेमोक्रेसी को ठीक है तो आपको इन ज्यादा डिटेल में यहाँ पे सोशोलॉजी में नहीं पढ़ना है ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है लेकिन फॉर द सेक ऑफ मार्क्स एंड ब्राउनी पॉइंट्स देने के लिए आपको यहाँ पे जरूरी चीजें मैंशन करनी है दे ऑफन देर वे ऑफ वर्किंग ऑफ एन टर्न आउट वॉय एंड दे वेंट फॉर गोरल एट है मैंने आपको बोला एंड नेक्सलिज्म हमने किन किन एरियाज में देखा है कहाँ आपने अगर पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ में बिहार में ओडिशा में ठीक है सम पार्ट्स ऑफ तेलंगाना में भी महाराष्ट्र एंड देन योर आंध्र प्रदेश ठीक है ये सारे एरियाज थे जहाँ पे एक्टिव था कुछ कुछ परसेंटेज में अभी भी कहीं कहीं में प्रेजेंट है इट इज दिचुएशन ऑफ डिसकंटेंट एंड अदर अग्रेन इशूज अब गवर्नमेंट ने क्या किया रिन फोकस लाया रूरल डेवलपमेंट पे उसके लिए डिपार्टमेंट क्रिएट किया डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और इसको बनाया पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ठीक है एंड बाद में इसको एक स्टेटस दिया था स्टेटस ऑफ ए मिनिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूर रिकंस्ट्रक्शन इन ऑगस्ट नाइनटीन तो इनको पता था कि ऑल्वो चलो ये इस चीज को कर्ब कर रहे थे नक्सलिज्म को लेकिन इनको पता था कि कही न, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ग्राउंड लेवल पे कुछ चेंजेस लानी है इसके लिए इनको पता था हमारा फोकस होना चाहिए कहां पे रूरल डेवलपमेंट पे फाइन तो इन्होंने क्या कोशिश की कि रूरल डेवलपमेंट जो है उसको एक सेपरेट जो है मिनिस्ट्री के अंडर रखा जाए एंड बाद में रूरल डेवलपमेंट को एक अलग से मिनिस्ट्री अंडर द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल कंस्ट्रक्शन एक मिनिस्ट्री बनाया जाए तो उसे क्या होगा उस पर जो फोकस है वो आप इंक्रीज कर पाओगे एंड पॉलिसीज वगैरह अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे तो ये कुछ स्कीम्स के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं ठीक है थीके? ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ने हैं सोशोलॉजी में स्कीम्स लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को लेके क्या क्या स्कीम्स लाई हैं क्योंकि आपके पार्ट बी के काफी चैप्टर्स जो हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड हैं राष्ट्रीय विकास योजना डिजिटल लैंड लैंड डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम वगैरह ठीक है ऐसी सारी स्कीम्स फॉर ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स भी एलिड सेक्टर कौन से हो गए आपके एग्रीकल्चर के साथ जैसे हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वगैरह ठीक है तो काफी चीजें की विशेष uh, कृषि ग्राम उपज योजना वॉज ऑल्सो लॉन्च विद एन ऑब्जेक्टिव टू एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड देयर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विलेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स एंड सो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ ड्यूटी बेनिफिट्स तो सिर्फ यहीं पे नहीं उनको कैसे एक्सपोर्ट करना है ठीक है उनको क्या आप टैक्स के बेनिफिट्स दोगे वो सारी चीजें एक तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गए एंड देन वैल्यू एडेड आप जो आपके प्रोसेस प्रोडक्ट्स आप बनाते हो एग्रीकल्चर से जैसे आप uh, वीट से बाद में ब्रेड बना रहे हो ठीक है तो वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो गया तो उनके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी गवर्नमेंट ने काफी काम किया काफी स्कीम्स लाई वो सारी चीजें वहां पर लिखी हुई है प्रोडक्टिविटी इन इंडिया जो है इन केस ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस एंड पल्सेस वो फिर भी बहुत कम थी एज कंपेयर टू दी प्रोडक्टिविटी इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड चाइना ठीक है यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है पीडीएफ में लेकिन मैं जो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करूंगी वो मैं इसको दोबारा से स्कैन करके अपलोड कर दूंगी ठीक है जो हमारी वाटर यूसेज एफिशियंसी थी पर एकर वो भी काफी पोअर रही है ठीक है इंडिया में तो ये एक रीजन है कि इरिगेशन रहा फॉल्टी प्रैक्टिस इरिगेशन की फॉल्टी प्रैक्टिस रही क्योंकि जो माइक्रो इरिगेशन थी वो हम अच्छे से यूज नहीं कर पाए माइक्रो इरिगेशन के साथ आप ये सुनोगे मो ड्रॉप पर क्रॉप आपने ड्रिप इरीगेशन सुना होगा जहां पर हम टारगेटेड एरियाज में डायरेक्टली क्या करेंगे करेंगे टारगेटेड क्रॉप्स को ठीक है उनके रूट्स में डायरेक्टली वहां से पानी जाएगा लेकिन यहाँ क्या प्रैक्टिस होती है कि आपने बहुत सारा पानी जो है एक पूरे बड़े फील्ड में डाल दिया एंड दिन भर वहां पानी जा रहा है जा रहा है उससे क्या होगा आपका सॉइल इरोजन हो जाएगा होगी एंड हो क्या होगा जो एक्सेस रन ऑफ होता है वाटर का क्योंकि सॉइल तो एक टाइम तक सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करेगी ना जो फिर एक्स्ट्रा वाटर बनेगा वो वाटर कहां जाता है आपके पॉन्ड्स में लेक्स में ठीक है तो वहां से आपका जो वाटर सप्लाई है वो भी खराब हो जाती है एंड वो जो पानी वहाँ पे जाता है जो सरफेस रन ऑफ होता है वो पेस्टिसाइड्स वाला पानी होता है क्योंकि क्रॉप्स में पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हो ना जमीन में आपने बहुत सारा पानी दे दिया एंड यहाँ पे क्रॉप्स हैं क्रॉप्स पे पेस्टिसाइड्स हैं आप जितना जमीन को पानी लेना है उतना लिया बाकी क्या होगा एक्स्ट्रा पानी थोड़ा ग्राउंड वाटर की तरफ जाएगा एंड रन ऑफ हो जाएगा लेक्स वगैरह में तो वो क्या होगा वहां से जो रन ऑफ निकल रहा है वो पेस्टिसाइड्स वाला पानी है वही पेस्टिसाइड्स वाला पानी लेक्स में जा रहा है एंड वही पेस्टिसाइड्स वाला पानी आपके ग्राउंड वाटर में जा रहा है तो क्या हो रहा है आप काफी ज्यादा इससे पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हो ठीक एज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी अराउंड टू फिफ्टी मिलियन एकर्स लैंड सर्फेस ऑफ इंडिया सफर्ट फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन आउट ऑफ डिग्रेडेशन एज अ रिजल्ट ऑफ वॉटर इरोजन वॉज द प्राइम रीजन ठीक है जो स्टेटस ऑफ मैकेनाइजेशन है इन एग्रीकल्चर इस्टिल लो एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज तो हमारी जो मैकेनाइजेशन है वो भी उतनी नहीं है जितनी कि डेवलप कंट्रीज में होती है इसलिए ऑल ऑल्डो इतना सारा जो है हमारा एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हमारे लिए है लेकिन फिर भी उतनी ज्यादा डेवलपमेंट इसमें नहीं हुई है ठीक है कहने का यही मतलब है एज ए रिजल्ट ऑफ राइजिंग कॉस्ट फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग ओवर सेचुरेशन जो एग्रीकल्चर में हुई है एंड हाई इंसिडेंस ऑफ डिस्गइज अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडियन एग्रीकल्चर है ये एक लॉस मेकिंग प्रपोजिशन बन गया है ओवर द इयर्स ठीक है तो सच एन एक्सटेंड की गवर्नमेंट इंडिया ने बेनिफिट्स लाए लाइक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम की डायरेक्टली आपको क्या मिला मिलागा मिलेगा इसका बेनिफिट आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे आ जाएंगे ठीक है तो फाइनेंशियल एवरेज के लिए पीएम किसान इन टू थाउजेंड नाइनटीन ठीक है आगे देखते हैं हमें पता है कि गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर पे टैक्स भी नहीं लगाती है एंड उसके बाद भी जो एग्रीकल्चर प्राइसेस है वो काफी कम रखने पड़ते हैं क्यों क्योंकि हार्डशिप्स प्रिवेंट करने के लिए अर्बन पुअर के लिए ठीक द ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्थ इंडिया और उन्होंने प्रमोट किया था मोनोकल्चर जिसको हम मोनो बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग में क्या करते हैं जैसे एक क्रॉप से बेनिफिट आ रहा है फॉर एग्जांपल उनको कॉटन क्रॉप से बेनिफिट आ रहा है तो सिर्फ कॉटन क्रॉप्स पे ही रिलाई करेंगे के ऐसे केसेस में क्या हो जाता है अगर किसी रीज़न की वजह से उस साल उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं हुई यील्ड नहीं आया फाइन तो प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहेगा उसके लिए तो उनके पास रिस्क एब्जॉर्ब करने के लिए कोई और क्रॉप एक्स्ट्रा नहीं होता है तो ये मैंने आपको पहले भी बोला है हमने मोनोक्रॉपिंग और मल्टी क्रॉपिंग ये सब डिस्कस किया था एंड एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड से क्या हो गया फार्म डाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है तो मोनोकल्चर से फार्म डाइवर्सिटी पे इम्पेक्ट पड़ा एंड एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड से किस पे इम्पैक्ट पड़ा ह्यूमन हेल्थ पे ह्यूमन हेल्थ इसीलिए पंजाब में मैंने आपको पहले भी हमने पढ़ा बायोलॉजिकल टॉक्सिसिटी ठीक केमिकल टॉक्सिसिटी देखने में काफी ज्यादा मिली एंड राइज इन कैंसर भी जो है वो इन्हीं चीजों की वजह से हुआ क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन से जो क्रॉप्स हमें यूज करने थे उनमें काफी ज्यादा यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर वगैरह ये सारी चीजें होती थी ठीक तो इससे क्या हुआ आपका जो हेल्थ है ह्यूमन हेल्थ उस पर इम्पैक्ट होने लगा अपार्ट फ्राम द ट्रेडिशनल इशूज इन रिसेंट ईयर मेरी न्यू एग्रेरियन इशूज जो है इमर्ज ठीक है क्या एग्रेरियन इशू जितना ज़्यादा हम एग्रीकल्चर यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे उतना हमें वाटर इरीगेशन की भी जरूरत पड़ेगी खासकर अगर वी आर गोइंग फॉर हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स ग्रीन रेवलूशन के अंडर जो क्रॉप्स आते हैं हाईब्रिड क्रॉप्स उनको पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है बहुत हाई लेवल पे होता है आप देखो खुद ही वो जो पंप लगाते हैं बाद में वो पम्प पानी एकदम सूख जाता है ठीक है पानी नहीं निकलता है फिर क्या करते हैं वो लैंड और एक्सट्रैक्ट करते हैं और नीचे ड्रिल करते हैं और नीचे नीचे जाके वो ग्राउंड वाटर से और और पानी जो एक है एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है वाटर स्ट्रेस जो है आपका वो इंक्रीज हो जाता है वाटर स्ट्रेस क्या हुआ कि जितनी डिमांड होती है वाटर की उतनी आ, आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो इंडिया करंटली ये भी एक बहुत बड़े इशू से गुजर रहा है हरियाणा पंजाब राजस्थान एंड मेनी डिस्ट्रिक्ट जो है दे हैव बिन डिक्लेयर्ड एज वाटर स्ट्रेस ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर ठीक है यहाँ पे एक एक्टिमेट है एज पर द एस्टिमेट एज ऑफ 2020 हरियाणा और राजस्थान में एज मच एज 70 टू 40 40 टू 75 फाइव परसेंट ग्राउंड वाटर जो है वो ओवर एक्सप्लॉयटेड है एंड इन केस ऑफ पंजाब वेयर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक राइस हैव हायर सिचुएशन 75 टू जो बहुत ही ज्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है सिचुएशन है तो गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट ने आपके लिए बिल लाई थी मॉडल बिल फॉर ग्राउंड वाटर इन 2016 जिसमें इन इश्यूज़ को एड्रेस किया गया था एक्सप्लायटेशन वगैरह को एक्विफायर रिचार्ज करने को ठीक है तो सारी स्टेट्स ने ये बिल लेकिन अडॉप्ट नहीं करी थी ठीक है और इम्बेलेंस यूज करते हैं एनपीके का हमें पता है एनपीके फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं एनपीके के दैट इज ए नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम तो ये किस रेशियो में होने चाहिए आइडियली फोर इज टू टू इज टू वन लेकिन ये बहुत जो है वो एक्सटेंड uh, होते हैं ये इतने ही सिर्फ यूज नहीं करते हैं फाइन आपका जो ये है एनपी के एक स्टडी हुई थी 2001 में कहा था फोर टू वन की जगह किस अमाउंट में यूज हो रहा है नॉर्थ में ट्वेंटी एट एट वन ठीक है ये नॉर्थ का था सिर्फ एंड जो नेशनल एवरेज था वो था आपका सेवन ट्वेंटी सेवन वन तो काफी बुरा हाल है इसका दैट मीन्स फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है वो काफी एक्सेस अमाउंट में यूज होते हैं जितना उनको यूज नहीं करना चाहिए इन सम स्टेट्स लाइक हरियाणा एंड पंजाब जो यूसेज ऑफ नाइट्रोजन जिसको हम यूरिया बोलते हैं हैज़ एज एज हाई टाइम्स दैट इज रिक्वायर्ड देख लो फोर होना चाहिए था लेकिन ट्वेंटी ट्वेंटी एट यहाँ पे ट्वेंटी एट नॉर्थ में यूज हो रहा है ठीक है तो ज्यादा यूरिया क्यों यूज करते हैं ऑल कम अमाउंट में होना चाहिए क्योंकि इजिली अवेलेबल है एंड इसका जो कॉस्ट है वो काफी कम है ठीक है तो फार्मर्स जो है एक्सेसिव जो है वो यूरिया यूज करना शुरू हो जाते हैं गवर्नमेंट ने न्यू, न्यूट्रिय बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी भी लेके आई थी एड्रेस करने के लिए द इशू ऑफ इम्बेलेंस इन द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स ठीक है लेकिन ये सारी चीज़ें भी थोड़े टाइम के लिए काम करती हैं उसके बाद ये भी काम ज्यादा कुछ नहीं करती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई टू एड्रेस वेरियस प्रॉब्लम ऑफ एगेर सेक्टर बाई यूजिंग मल्टीप्रॉन्ग्ड अप्रोच ठीक है ताकि जिसमें क्या होता है बहुत सारे इशूज़ को एक साथ जो है एड्रेस किया जाता है जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लेके आए थे लॉन्च बाई गवर्नमेंट इन टू की बात हुई थी, उसको प्रमोट करना ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस को प्रमोट मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रधानमंत्री कृषि योजना विद ऑब्जेक्टिव ऑफ पर ड्रॉप मोर क्रॉप आपने सुना होगा एंड ड्रिंकिंग वॉटर टू एवरी फील्ड इसमें इन्हें टेक्नोलॉजीज लाई थी जैसे लेजर लेवलिंग एंड ड्रिप ट्रिग इरीगेशन इरीगेशन यू नो ड्रिप इरीगेशन का मतलब होता है वहीं पे जहाँ पे क्रॉप है वहीं पे आप ड्रिप बाय ड्रिप क्या करोगे पानी जो है उनको दोगे ताकि सॉइल इरोजन वो सारे जो एक्सेसिव वाटर आता है फिर रन ऑफ वो सारी चीजें ना हो लेजर लेवलिंग में क्या होता है आप ग्राउंड को इक्वली वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेवल कर देते हो जो एलिवेटेड लैंड होती है ऑलमोस्ट प्लस टू माइनस टू सेंटीमीटर तक आप उसको क्या कर देते हो फ्लैट करने की कोशिश करते हो ताकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही से हो ठीक है तो ये सारी चीजें सारे प्रोग्राम्स अगर आप इतनी ज्यादा भी नहीं याद रखो एटलीस्ट सात आठ प्रोग्राम्स ये सात आठ स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए जो आपके कंटेंट को एनरिच करेंगी ठीक है फार्मर इशू जो है वो इक्वली सारे कैटेगरीज को इम्पैक्ट नहीं करता है फार्मर्स की क्योंकि ऑब्वियसली जो स्मॉल फार्मर्स हैं और जो लेबरर्स हैं ज़्यादा अवेलेबल होते हैं एंड जो हाई आपके फार्मर्स होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा लैंड होती है वो क्या करते हैं उनको हमेशा बेनिफिट ही मिलता है ठीक है तो अगर कोई भी चीज़ में सही काम नहीं हो रहा है तो जो इम्पैक्ट है सबसे ज्यादा जो लोअर तबका होता है उस पर वो इम्पैक्ट पड़ता है एंड एग्रीकल्चर में भी हमने यही देखा वलनेबिलिटी ऑफ फार्मर्स इंक्रीजेस ड्यू टू क्रॉप फेलियर्स एंड पोअर इंश्योरेंस कवरेज तो इंश्योरेंस कवरेज के लिए भी फसल बीमा योजना वगैरह जैसे प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आती है पर देन वो कुछ खास काम नहीं करते ठीक है उनको इंश्योरेंस कवर वैसे नहीं प्रोवाइड होता है जैसे होना चाहिए टेनेंट्स डोंट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द गवर्मेंट स्कीम एज वेल एज अच्छा एन वन अनफोर्सिंग इम्पैक्ट ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म लेजिस्लेशन वॉज दैट लैंड ओनर्स जो थे उन्होंने टेनेंट्स के साथ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद किया अगर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक तो उनको राइट देने पड़ेंगे टेनेंट्स को ठीक है एंड देन उनको ये भी डर था कहीं जैसे लैंड रिफॉर्म्स लाए कल को वैसी कोई स्कीम लाए एंड वो लैंड परमानेंटली वो टेनेंट्स को ही ना मिल जाए तो इस वजह से वो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इन चीज़ों में नहीं आते थे तो जब फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो वो बेनिफिशरी ही नहीं बनेंगे किसी गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिशरी तब बनेंगे ना जब आपके रजिस्टर्ड हो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हो अगर वो सब चीजें आप नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कल को टेनेंट्स के लिए उनको कोई स्कीम नहीं मिलेगा एग्रीकल्चर क्रेडिट नहीं मिलेगा ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पे डिस्कस की गई हैं 2019 में अबाउट 35 परसेंट ऑफ इंडियन फार्मर्स जो थे दे वर कवर्ड अंडर वन और द अदर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 2011 में फिगर जस्ट अराउंड 10 परसेंट डिक्लाइन हमने क्यों देखा था क्योंकि और एक स्कीम लाई थी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में ठीक है बट क्रॉप इंश्योरेंस जो था इट कुडेंट बिकम अ वेल स्टैब्लिश्ड मॉडल क्योंकि इनको इंश्योरेंस देने में वो पहले प्रीमियम थोड़ा ज्यादा रखते थे क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर एग्रीकल्चर में आप जितना लोन दोगे बैंक्स के लिए भी रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा रहता है इन चीजों की वजह से ये जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स है ये भी अपना काम सही से नहीं कर पाई रिसेंट टाइम में हमने और सीरियस क्राइसिस देखे इन द फील्ड ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन द फॉर्म ऑफ सुसाइड एंड इवन फार्म डेथ्स ठीक है तो ये सारी प्रॉब्लम जो हमारा एग्रीकल्चर फेस कर रहा है फार्मर सुसाइड विदरबा रीजन ऑफ महाराष्ट्र में हिट द हेडलाइंस इन 2010 उसके बाद जो फार्म बिल आई थी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह जो हुए थे फाइन उसमें भी कुछ डेथ्स हुई थी फार्मर्स कमिटेड सुसाइड इन टू अकॉर्डिंग टू एन रिकॉर्ड कितने फार्मर्स टेन तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हम देखते हैं एंड मेजर फैक्टर्स क्या है इनके हैवी इंडेटनेस हमने ये भी पढ़ा इंटेटनेस क्यों होती है क्रॉप फेलियर्स इनेबिलिटी ऑफ मार्कर्स ऑफ फार्मर्स टू फाइंड अ मार्केट फॉर द प्रोड्यूस तो इसको गवर्नमेंट ने सॉल्व करने की कोशिश की वो ई e नैम वगैरह ला के जहाँ से वो क्या करते थे ऑनलाइन उनका जो प्रोड्यूस है वो मार्केट तक फार्मर्स का पहुंचाते थे ठीक तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी टाइम टाइम कुछ ना कुछ करती रहती है लेकिन ऑन ग्राउंड हमें उतनी ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलती है तो एग्रीकल्चर प्रॉस्पेक्ट क्या फ्यूचर रहा ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इंडिया में क्या क्या हुआ ठीक है थोड़ा देखते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी इंडिया की स्टूड एट अराउंड थ्री हंड्रेड मिलियन मेट्रिक टन वाइल ऑफ हॉर्टिकल्चर थ्री ट्वेंटी मिलियन मेट्रिक टन ठीक है लाइफ स्टॉक के इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टॉक ऑल्सो जो इंडिया है हैज़ नाउ अ वर्ल्ड लीडिंग पोजिशन लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड वो जो स्टैंड करती है थर्टी फाइव मिलियन पे एंड ट्रांसलेट्स इन अराउंड थर्टी फाइव परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लाइफ स्टॉक तो ये भी ठीक ठाक है इंडियन एग्रीकल्चर जो है रेन फेड है क्योंकि 60 परसेंट जो है कल्टिवेबल लैंड इज इरीगेटेड बाय रेन्स तो अगर मॉनसून का थोड़ा कुछ ऑल्ट्रेशन हो जाती है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ता है आपके एग्रीकल्चर पे तो यही सारी चीजें यहाँ पे कुछ फैक्ट्स वगैरह लिखे हैं जो आप खुद से देख लो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड सेकंड हाइस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश फ्रूट वेजिटेबल एंड ओवरऑल इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नेट एक्सपोर्टर ऑफ आइटम्स लाइक वीट फिश एंड सो ऑन वगैरह तो ये होगी थोड़ी बहुत तारीफे एज द कंडीशन ऑफ फार्मर्स डेंट इम्प्रूव ड्रोटिकली फार्मर इशू जो है कंटिन्यू टू अट्रैक्ट स्पॉट लाइट ऑन वन ओकेजन ऑन द अदर और जो गवर्मेंट है ऑल्सो कंटिन्यूज टू मॉडिफाइड स्ट्रेटजीज विद न्यूअर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है नेचर अपना काम कर रहा है फार्मर्स अपना काम कर रहे हैं लेकिन ऑन ग्राउंड हमें ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं ठीक तो मिक्स फार्मिंग गवर्नमेंट ने कहा मिक्स फार्मिंग में आप क्या करते हो क्रॉप्स एंड जो लाइव स्टॉक है क्रॉप्स भी ग्रो करोगे और वहीं पे आप लाइफ स्टॉक भी जो है वो भी रेज करोगे ठीक है 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इराडिकेट करने के लिए फूड एंड माउथ डिजीज को जिसमें बैक्टीरिया जो आपका वायरस होता है वायरल डिजीज है वायरस इनमें इन्व, इन्वॉल्व होता है एप्थो या ब्रूसिला जो लाइफ स्टॉक में हो जाता है ठीक है ये भी जो ब्रूसिला स्पीशीज है एक बैक्टीरियल स्पीशीज है जो ट्रांसपोर्ट होती है आपके एनिमल से ह्यूमन तक भी तो इन सारे इश्यूज को टैकल करने के लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम लाई संपदा स्कीम लाई नबार्ड क्या करता है उसको कैपिटल फंड्स देता है एग्रीकल्चर को रूरल फोकस्ड स्टार्टअप्स जो है उनपे इंपॉर्टेंस दी जाती है फोकस किया जाता है इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है एल सेक्टर मेगा फूड पार्क्स आपने पढ़ा होगा मेगा फूड पार्क्स में क्या होता है सारा जो फार्म जो चीजें आती है फार्म प्रोड्यूस वहाँ से लेकर एंड प्रोडक्ट तक जहाँ तक एक्सपोर्ट करना होता है वो एक ही जगह पे सारा हो जाता है ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है और बाकी जो लॉस होता है वो आपका बचे ठीक है जैसे फार्मर ग्रुप्स हैं वो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में पी में अपना प्रोड्यूस बेच देते हैं तो वहाँ पर उनकी प्रोसेसिंग होती है कि प्रोसेसिंग आप वहीं पर कर दो उसके बाद रिटेलर्स के पास जाता है वहाँ से एक्सपोर्ट आप पहले एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हो एंड वहाँ से रिटेलर्स के पास जाता है ठीक है तो सारा ये एक ही जगह पे होता है मेगा फूड पार्क्स में जिससे क्या होता है आपका जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स वगैरह है उसमें काफी ज्यादा आप सेव कर सकते हो एंड काफी जो है प्रोड्यूस भी आपका खराब होने से बचता है इसमें गवर्नमेंट ने एक और बड़ा काम किया एपीएमसी सेटअप करके एपीएमसी जारी और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज जिनको हम मंडीज बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में तो इन मंडीज में क्या होता है बेसिकली देखो जब फार्मर को प्रोड्यूस वो कुछ करता है ठीक है तो उसको उसको मार्केट ले जाना पड़ता है तो मार्केट में लेने के लिए उसको बीच में ट्रेडर्स रिटेलर्स की जरूरत पड़ती है इन शॉर्ट आपके जो मिडिल मैन है तो मिडिल मैन जो है वो क्या करेंगे वो अपना प्रॉफिट बीच में एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उससे क्या होता था फार्मर का जो प्रॉफिट है और ज्यादा कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट ने इस प्रैक्टिस को खत्म किया एंड खुद से स्टेट की मंडी सेटअप की लाइसेंस कुछ ट्रेडर्स को दिया जो वो मार्केट तक वो प्रोड्यूस ले जाएंगे फाइन एंड इससे ट्रेडर्स जो फार्मर्स का प्रोड्यूस है उनका प्रॉफिट भी कम नहीं हुआ एंड ये गवर्नमेंट ओन थी तो रिलायबल भी थी फिर ई नाम फैसिलिटी भी आई ई नाम एग्रीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल फॉर दी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इस ई e नाम से क्या किया जो आपकी ए ट है एक क्रिएट हो जाए तो ये सब चीजें जो है ने करने की कोशिश की ये सारी चीजें आप एग्रीकल्चर में पढ़ोगे जी, आपके जीएस में डिटेल में बाय 2021, ट्वेंटी 17 मिलियन फार्मर्स जो थे मोर देन वन लैख थर्टी थाउजेंड ट्रेडर्स जो थे वो रजिस्टर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म ठीक है उसके बाद कुछ एक्ट वगैरह भी लेके आए वो आप नाम यहाँ से देख लेना ताकि वो मोनोपोली ब्रेक कर सके मंडीज की एंड पे वेव टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मंडीज का भी आगे डिसएडवांटेज था उनकी मोनोपोली भी क्रिएट होने लगी और जो एग्रीकल्चर जो फार्मर है वो ओपन मार्केट में अपने प्रोड्यूस को सेल नहीं कर पाता था एंड जो मंडीज थे आहिस्ता आहिस्ता जो भी प्रोडक्ट लाइसेंस थे मंडीज के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट गवर्नमेंट क्या करती थी उनको डीलिस्ट कर देती थी जैसे आपने सुना होगा टाइम टू टाइम कोई गवर्नमेंट क्या करती है कोई एक प्रोडक्ट को डीलिस्ट करती है एपीएमसी से ताकि वो एक मोनोपोली को, को ब्रेक कर सके एंड जो वो प्रोड्यूस है उसका वो फार्मर ओपन मार्केट में भी सेल कर सके एंड सिर्फ मंडी पे ही वो ना रह जाए ठीक है तो ऐसी सारी चीजें भी लाई जाती है एंड ताकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी प्रमोट कर सके जिसमें एक अग्रीमेंट होता है बायर एंड सेलर के तहत कुछ कंडीशन में वो अपनी चीजें उसको देता है तो जनरल जो आपको पता होता है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन वही फार्मिंग में ही यूज करना ठीक तो है वेल थियोरटिकल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू तो सेल्फ फार्म प्रोड्यूस हैज बीन गिवन नाउ एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जो है वो ट्रिकी होता है लॉजिस्टिकल इश्यूज की वजह से इन्फॉर्मेशन एसिमिट्री एंड प्रविलेंस ऑफ मिडलमेन की वजह से पूरे इन्फॉर्मेशन फ्लो की वजह से वो प्रॉब्लम आ जाती है लॉजिस्टिकल इशूज कहाँ से लेना है कैरी करना है स्टोर करना है वो सारी चीज़ें एंड प्रिवेलेंस ऑफ मिडलमैन इसकी वजह से ऑन ग्राउंड ज्यादा चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं फार्मर्स को भी मुश्किल हो जाता है कि एम से वो हटके कुछ और सोचे जैसे एमएसपीज जैसे जो फार्म बिल्स लाई थी कितना सारा प्रोटेस्ट हुआ था उनको लगा था वो वीकन हो जाएगा उनका एम वाला फैक्टर क्योंकि फार्मर जो है वो चाहते हैं कि एम वाला जो उनको फैसिलिटी मिली है वो हमेशा वैसी ही रहे ठीक है जब यूनियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे थ्री फार्मर लेजिसलेन इन 2020 मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था नॉर्थ इंडिया में फाइन तक क्योंकि फार्मर्स को लगा था उनका कहीं एमएसपी वाला जो ये है वो नए एग्रीकल्चर लॉ से कहीं कम ना हो जाए या आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा गवर्नमेंट ने रिसेंटली बेसिक मिनिमम इनकम टू फार्मर्स इसकी भी बात की यूनिवर्सल बेसिक इनकम आपने देखा होगा ठीक है आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम जिसमें एक बेसिक अनकंडीशनल ट्रांसफर पेमेंट जो है वो फार्मर्स को दी जाती है ठीक है तो इसके रिगार्डिंग भी लेकिन इसके भी काफी कॉन्स हैं क्योंकि फिर फार्मर थोड़े कंपलेसेंट हो जाते हैं काम नहीं करते हैं डिमोटिवेटेड रहते हैं वो सारे इश्यूज को भी टैकल करना पड़ता है इन 2019 प्रधानमंत्री किसान मन योजना जिसने मिनिमम फिक्स पेंशन ऑफ थ्री एलिजिबल फार्मर्स के लिए टू में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और पीएम किसान वॉज लॉन्च विच एंटाइटल्ड एवरी फार्मर टू अमाउंट ऑफ सिक्स पर ईयर इन थ्री इंस्टॉलमेंट्स ठीक है ऐसी सारे जो बेनिफिट्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी एम एस पी हायर एम एस पी वगैरह जैसे स्टेट्स लाइक पंजाब में दी गई हैं। फाइन तो ऐसी सारी चीजें जो हैं जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम करती रहती है टू थाउजेंड फिफ्टीन में गवर्नमेंट ने कहा प्लान टू डबल दी फार्मा इनकम बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है लेकिन जो प्रोग्रेस है ऑब्वियसली उतनी नहीं हुई जैसा कि हर स्कीम में होता है

वाइल्ड ट्रेडिशनल एरियाज लाइक मिक्स फार्मिंग वाटर कंजर्वेशन सॉइल इरोजन ये अभी भी फोकस है एंड न्यू एरियाज लाइक यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट आई ओ टी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जी आई सिस्टम जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एसेसिंग क्रॉप पैटर्न एंड इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह ड्रोन को यूज़ करना सर्वेइंग के लिए पेस्ट कंट्रोल के लिए तो ये सारी चीज़ें भी जो है ऑन ग्राउंड ये सारी चीज़ें भी होती हैं ठीक न्यू सस्टेनेबल सोल्यूशन जैसे कि एक्स इनर्जी क्रिएट करना बिटवीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अर्बन एरियाज में एंड मैन्योर रिक्वायरमेंट इन एग्रेरियन फार्म्स तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम अगर अर्बन एरियाज में सही से करेंगे ठीक है तो उससे क्या हो जाएगा हमारा जो है एग्रेरियन जो मेन्यूर रिक्वायरमेंट होती है एग्रेन फार्म में वो पूरी हो जाएगी अब वो कैसे होगी जो भी हमारा जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है ठीक उसका और जो मेन्यूर फार्म में जरूरत होता है उसका एक बेनिफिशियल रिलेशन होता है बेनिफिशियल रिलेशन कैसे जो ऑर्गेनिक वेस्ट आपका अर्बन एरियाज़ में जनरेट होता है फॉर एग्ज़ाम्पल घर से ही देख लो फूड स्क्रैप्स वगैरह फूड स्क्रैप्स में जैसे आपका लेफ़्ट ओवर फूड आ गया या एगशेल्स ठीक है ऐसी सारी चीज़ें ये क्या करते हैं इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर्स में बायो फर्टिलाइज़र्स में जो आपके एग्रेड फार्म्स में काम आते हैं तो ऐसे एक इनर्जी क्रिएट करना ये सारी चीज़ें जो है सस्टेनेबल सोल्यूशनस है दैट नीड टू बी एक्सप्लोर्ड इंडिया सीख सकता है इसराइल से जो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एंड मेकनाइजेशन इफ़ेक्टिवली

अब हमारे फाइव चैप्टर्स रहते हैं जो मैं जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी टिल द टाइम आप अपलोड न्यू वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल